जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फर्स्ट सहरी है और फर्स्ट सहरी में मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह ताला सहरी में और इफ्तारी में रोज आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, वो भी मजे मजे के खानों के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरी सारी वीडियो। तो यहाँ से आगाज करते हैं रमजान के स्पेशल व्लॉग का फर्स्ट रोजे की फर्स्ट सहरी के साथ। तो आज मेरे साथ सहरी में मौजूद होंगी ऑफ कोर्स मेरी मामा। तो चलिए मामा को बुलाते हैं और फिर चलते हैं किचन में। अमल काशिफ खान आ चुकी हैं। मामा रमजान के स्पेशल व्लॉग में आपको बहुत बहुत वेलकम। आप सबको भी मेरी तरफ से पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो और पहला रमजान भी मुबारक हो। तो आइए चलते हैं किचन में। थोड़ी देर पहले डिसाइड कर रहे थे कि सहरी में क्या बनना चाहिए। बहुत टाइम लगाया, जरी बोल रहा कि ये बना ले, भैया बोला ये बना ले, उसे बोला ये बना ले, मतलब सबकी फरमाइशें चल रही थी। मेरी एक अलग फरमाइश थी बट वो बड़ी मेहनत वाली फरमाइश थी। फिर हमने डिसाइड किया कि मेहनत कर ही लेते हैं और आज बना लेते हैं आलू के पराठे। Golden brown.
करूंगी छोटी हरी मिर्चें कटी हुई जो कि मैंने काट के रखी हुई थी शुरू में आप लोग को बताया था। अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा मक्खन, सारे मसाले। सारे मसालों में सबसे पहले मेरे पास है कुटी हुई मिर्चें, नमक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हसबे जायका नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू, आलू को जो मैश करके मैंने रखा हुआ था इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं आलू जो कि मैंने मैश करके रखे हुए थे। इसमें मैं थोड़ा सा इमली का पल्प भी ऐड करूंगी ताकि थोड़ा खट्टा खट्टा बने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भुर्ता हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और पतीली मुझसे संभल नहीं रही है कि डिसबैलेंस हो रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज जो कि चॉप करके हमने रखी हुई थी। आप लोग को नजर आ रहा होगा कि भुर्ता बिल्कुल ही भुन गया है। हमारे इतना भुरावा नहीं खाते तो मैं इसमें ऐड करूंगी पानी ताकि थोड़ा सा थोड़ा सा शोरबे वाला बने। अब मैं इसमें एक और स्पून जो है वो मक्खन का ऐड कर रही हूँ। मक्खन के बाद हरा धनिया मैं ऐड कर दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो मक्खन ऐड किया है वो मेल्ट हो रहा है हल्का हल्का, तो ये मेल्ट होगा जब तक मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि पूरे तरीके से हमारा जो मक्खन है और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, फिर हमारा भुर्ता तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब उधर चलते हैं पराठों की तैयारी करने। भुर्ता हमारा जो है वो दम पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक सादा दही तैयार हो चुका है जिसमें सिर्फ रायता मसाला ऐड किया है। मामा आपको रायता मसाला पसंद है? ओके, यहाँ पर प्याज टमाटर और हरा धनिया हरी मिर्चों का कचूमर बना हुआ है, मतलब वो मिक्स हुए हैं एक साथ। तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक और नई स्टाइल का दही बना के दिखाती हूँ। उसमें होगा ये, मैंने सादी दही ले ली है, थोड़ी सी मैं ऐड करूंगी कुटी हुई मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी, नॉट टू मच, इसको मिक्स करूंगी। नमक ऐड कर दिया है। अब ये जो मेरे पास कचूमर है, मम्मा इसको कचूमर मैं क्यों कह रही हूँ? ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कचूमर। ऐसा बोलते हैं आप लोग के घर में? हमारे यहाँ तो बोला जाता है भाई, अब आप लोगों का नहीं पता कि आप लोग क्या बोलते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोग के घर में इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको मैंने अलग इसलिए कर दिया कि मुझे जो है वो दही में नहीं पसंद, तो मैं अलग से खाती हूँ, फिर मैंने इसको अलग कर दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सैलेड को अलग निकाल के रख दिया है क्योंकि मैं सादी खाती हूँ, मुझे दही में डालकर बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन जो दही वाले में प्रिपेयर कर रही हूँ मामा के लिए कर रही हूँ, मामा को आई डोंट नो व्हाई क्यों पसंद है लेकिन बहुत पसंद है। वजह आपको पता है? वजह बस वो ये कहते हैं कि जिस तरह की चीज बनती है तो वो बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारी मम्मा ने हमें खिलाया था तो हम भी अपने बच्चों को वैसे ही खिलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दही ऐड करो तो बहुत यम्मी लगता है। ओके, सो दही जो है वो मैं इस सैलेड में ऐड कर रही हूँ। तो हमारे पास दो किस्म की दही हो जाएगी और दो किस्म की सैलेड हो जाएगी। और इसके साथ आप अचार भी खा सकते हैं और इमली की चटनी तो लाजमी होनी चाहिए, इसलिए कि आलू के पराठों के साथ इमली की चटनी ना हो तो वो तो मज़ा ही नहीं देता, तो इसलिए लाजमी इमली की चटनी ज़रूर बनाएंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है, अब बारी है पराठों की। मम्मा जरा आ जाए आप एक्सपर्ट हैं, हमें कहाँ आके पराठे बनाना। नहीं रबीका, तुम्हें मैंने आलू का पराठा बनाना सिखाया था ना? हाँ, तो इसलिए अब तो आ जाना चाहिए। आई गेस दो साल हो चुके हैं उसको, मुझे याद है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीख जाएंगे, आलू के पराठे, गोल रोटी, ये सब आ जाएंगे। हम आज पराठों में इस्तेमाल करने वाले हैं असली घी। मोस्टली हमारे घर में ऑलपर्ट का ही असली घी इस्तेमाल हो, इस बार भी हम आलू के पराठे बनाने में ऑलपर्ट का ही असली घी इस्तेमाल करेंगे। मम्मा ने पेड़े जो है वो बना के रख दिए हैं, इसको बेलूं? नहीं नहीं, बस ये इतना ही बनेगा। ओके, अब मैं इसको दूसरा भी तैयार कर रही हूँ। अब इसके अंदर राउंड कर लिया, फिरता लगाएंगे एक पराठे के ऊपर। एग्जैक्टली यही मेथड हम सारे पराठे